देवियों और सज्जनों, सुप्रभात। मेरा नाम नेहा है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट रूरल मैनेजमेंट प्रोग्राम की छात्रा हूँ और आपके लिए आज के समारोह की संयोजक। आज सब हम यहाँ इरमा के 42वें दीक्षांत समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। वह विशिष्ट अतिथि हैं पद्मश्री रीमा नानावटी, निदेशक सेवा। आप सभी से अनुरोध है कि अपने नियत स्थान को ग्रहण करें। कुछ स्थानों को PGDM RM X और PGDM RM के स्नातकों, इरमा के निदेशक मंडल, अध्यापकगण, प्रेस व मीडिया व स्नातकों के परिवारजन के लिए सुरक्षित रखा गया है। हमारे वॉलंटियर्स आपका नियत स्थान ढूंढने में आपकी सहायता करेंगे, कृपया उनका सहयोग करें। कृपया सभागार में खाने का सामान और पानी की बोतल ना ले जाएं। अगर आपके पास कोई कूड़ा है तो उसे सभागार के बाहर रखे कूड़ेदान में डाल दीजिए। सभागार में धूम्रपान एवं तंबाकू का सेवन सख्त वर्जित है। आपसे अनुरोध है कि समारोह शुरू होने से पहले अपने मोबाइल फोन्स को वाइब्रेट मोड में रख दें। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। माई नेम इज़ नेहा एंड आई एम अ पार्टिसिपेंट ऑफ इरमाज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट रूरल मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड द मास्टर ऑफ सेरेमनी फॉर टुडेज इवेंट। टुडे वी हैव गैदर्ड टू सेलिब्रेट द 42nd कॉन्वोकेशन ऑफ इरमा। वी आर फॉर्चुनेट टू हैव एज आवर चीफ गेस्ट श्री गिरिराज सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड एज आवर गेस्ट ऑफ ऑनर पद्मश्री मिस रीमा नानावटी, डायरेक्टर सेवा। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज ऑक्यूपाई योर सीट्स। सम रोज आर केप्ट रिजर्व्ड फॉर द ग्रेजुएटिंग बैचेस ऑफ PGDM RM X एंड PGDM RM, मेंबर्स ऑफ इरमाज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, फैकल्टी, गेस्ट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रेस एंड मीडिया एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स। आर वॉलंटियर्स विल गाइड यू टू योर सीट्स। प्लीज कोऑपरेट विद देम। प्लीज डू नॉट कैरी ईटेबल्स एंड वाटर बॉटल्स इन द ऑडिटोरियम। You may kindly put the trash in the dustbin kept outside near the gents and ladies washroom of the auditorium. Smoking and chewing of tobacco is strictly prohibited in the auditorium. Please put your mobile phones in the vibrate mode during the ceremony. Thank you.
अगले 5 मिनट में दीक्षांत शोभा यात्रा सभागार में पहुंचेगी। सबसे पहले होंगे अध्यापक गण, PGDMRM एक्स व PGDMRM के स्नातक, निदेशक मंडल, अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और निदेशक। आपसे अनुरोध है कि शोभा यात्रा में सभागार के प्रवेश करने पर खड़े हो जाएं। कृपया मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के बैठने तक खड़े रहें। The convocation procession will enter the auditorium in about 5 minutes. First, the faculty, graduating class of postgraduate diploma in management, rural management, executive, postgraduate diploma in management, rural management, followed by the IRMA board of governors, chairman, the chief guest, guest of honor, and director. The audience is requested to rise when the convocation procession enters the auditorium. Please remain standing till the chief guest and the guest of honor take their seats. Thank you.
अगले 5 मिनट में दीक्षांत शोभा यात्रा सभागार में पहुंचेगी। सबसे पहले होंगे अध्यापक गण, पीजीडीएम आरएम एक्स व पीजीडीएम आरएम के स्नातक, निदेशक मंडल, अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और निदेशक। आपसे अनुरोध है कि शोभा यात्रा के सभागार में प्रवेश करने पर खड़े हो जाएं। कृपया मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के बैठने तक खड़े रहें। The convocation procession will enter the auditorium in about 5 minutes. First, the faculty, graduating class of postgraduate diploma in management, rural management executive, postgraduate diploma in management, rural management, followed by the IRMA board of governors, chairman, the chief guest, guest of honor and director. The audience is requested to rise when the convocation procession enters the auditorium. Please remain standing till the chief guest and the guest of honor take their seats. Thank you.
नमस्कार, मैं डॉक्टर आर एस सूरी, सदस्य इरमा निदेशक मंडल को मंच पर आमंत्रित करती हूँ व उनसे अनुरोध करती हूँ कि मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का स्वागत व सम्मान करें। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर आर एस सोधी, सदस्य इरमा निदेशक मंडल को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आई डिक्लेयर द 42nd कन्वोकेशन ओपन। Thank you.
अब मैं डॉक्टर उमाकांत दास, निदेशक इरमा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री गिरिराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर पद्मश्री मिस रीमा नानावती जी, डायरेक्टर सेवा। Respected Dr. R. S. Sodhi ji, member of IRMA's Board of Governors, distinguished guests, this year's graduating batch, parents and family members, members of the press, faculty members and staff colleagues, ladies and gentlemen, I extend a very warm welcome on behalf of the Institute of Rural Management Anand to all of you on this occasion of the 42nd convocation. I extend my heartiest congratulations to you all. It's a day of great joy for all of us, as a new batch of IRMAs step out into the world. Graduates of the third batch of postgraduate diploma in rural management executive, and the young graduates from the 42nd batch of the postgraduate diploma in management, rural management, will now take their rightful place in the pantheon of nation builders this great institution has given to this country over the last four decades. The graduating participants of PGDM RMX and PGDM they started off in a virtual mode and then were able to come to the campus after a very while. While the first part of their journey was challenging in itself, the second, I'm sure, although not without its own challenges, was considerably easier because you got the opportunity to interact with your batchmates, experience the verdant IRMA campus, and participate in co-curricular and extracurricular activities. Today, we mark the end of this beautiful journey of you, but it is also a new beginning, more ways than one. I also take the opportunity to congratulate the participants of PGDM RMX3 and PGDM RM42 for making the Institute proud by representing us and winning several national and international level competitions and challenges by noted academic institutions and corporate houses like Flipkart, Tata Steel, Godrej Agrovet, TVS Credit, NCDX, V-Guard, among many others. The talent was duly rewarded on many occasions with pre-placement offers with adulation of others. And we at IRMA are extremely proud of them. IRMA is a legacy institute, and it is no surprise that the admission to our PGDM RM and a PM and a PGDM RMX
program continue to reflect people's faith in the mission and vision, with all the program receiving a healthy number of applications for the academic years. I'm extremely pleased to report that the campus placement process for the 42nd batch of PGDMRM was a resounding success, with the whole batch getting placed once again in a record time. The Institute saw a considerable uptick, not only in the number of offers received per participant, but also in the mean CTC and the CTC for the top 25 percentile of the batch, both of which rose to 15.50 lakh per annum and 19.92 lakh per annum. I thank all our new and returning recruiting partners for their patronage and support, and for reposing their faith in the abilities of Irmans to meet the development as well as consumer-oriented growing demands of rural India. IRMA has entered into many new collaborations this past year, most notably with the Ministry of Panchayat Raj, Government of India, under whose guidance 31 of our participants were for the village field segment across the country in 2022. Government of Odisha, whose Department of Cooperation is engaged with IRMA over several management development programs to foster cooperative excellence. Government of Tamil Nadu, whose elected representatives and officers of the State Rural Development and Panchayat Raj are visiting and benefiting from the training that IRMA is imparting. IFCO, National Skill Development Corporation, Kamdhenu University, Dihat, Karnataka State Rural Development and Panchayat Raj University, International Potato Center, among others who signed MOU with us. These collaborations and partnerships have further strengthened IRMA's reputation as an academic institution per excellence and as a leader in the knowledge creation and dissemination, particularly in the larger context of cooperatives. Our faculty members continue to publish in national and international journals of repute, and the research continues to translate into richer classroom discussion and benefit our participants. Additionally, IRMA faculty are also contributing to issues of national importance by lending their professional expertise as members of committee by the Ministry of Cooperation, domain experts in rural development and participants in workshop of minimum support prices, and agri reforms by institute like IFCO. IRMA's partnership have also provided a further impetus to the renowned management development program at IRMA, which continue to run successfully for government as well as private sector all year round. More such collaborations are in the pipeline, and we will be happy to share them with you in due time. IRMA is the hub of management education in the cooperative sector with a focus on rural development. I'm sure that our new graduates will go out into the world as ambassadors of IRMA's cherished value, espousing the spirit of cooperation, and contribute towards the Atmanirbhar Bharat on track for the Amrit Kaal. Today, we are blessed to have Sri Giriraj Singh Ji, Honorable Minister of Rural Development and Panchayat Raj, Government of India, as our chief guest, and Padma Sri Ms. Reena Nanavati Ji, Director Seva, as the guest of honor of the convocation ceremony. With the permission of chief guest and guest of honor, I present graduating batches. I request our respected chief guest to present the diplomas and the respected guest of honor to present the Angavastram to the graduating PGDMRMX and PGDMRM participants. I request Professor Sam Singh, Dean, to read out the names of the graduating participants. On the recommendation of the Academic Council, the Board of Governors has resolved to admit 33 participants to the 42nd annual convocation and award them the postgraduate diploma in management, rural management executive. 24 of them are here today to receive it in person, and 9 of them are being awarded in absentia. The graduating participants are invited to come on stage as I call out their names. Ashutosh Singh, Rajesh,
Narendra Jai Singh Chauhan. Gaurav Sachdeva. Jasdev Singh. Ashwin Patel. Dharmen Kumar Kachrabhai Patel. Dilip Patel. Divyan Kumar Dinesh Bhai Patel. Pranav Kumar Ramabhai Patel. Sandeep Kumar Prahlad Bhai Patel. Tejas Paresh Kumar Patel. Prabodh Deka. Shyam Sagar. Saikat Samanta. Satyendra Singh Gurjar. Harshal Shah. Pranay Sarkar. Vipul Solanki. Soni Tejas Kumar Bhupendra Kumar. Susim Kumar. Vishal Trivedi. Ulva Vipul Kumar Govind Bhai. Please with resolution. On the recommendation of the Academic Council, the Board of Governors has resolved to admit 249 participants to the 42nd Annual Convocation and award them the Postgraduate Diploma in Management. 186 of them are here to receive it in person. 62 of them are being awarded in absentia. The graduating participants are invited to come on stage as I call out their name. Abhishek Malhotra. Yeah.
Amit Kumar Nayak, Anoop Kumar, Anupam Sekhar, Anurag Sinha, Arka Prabha Saha, Bharat L. Bhavika Sharma, Chidvilas M. Dhairya Kansagra, Dharampreet Singh, Idla Rachna, Gopika VR, Harsh Baronia, Harsh Selar, Kartik Yadav, Keshav Goyal, Kriti Kumari Podar, Kundan Thakur, Pragati Trivedi, Pranav Kishore, Pravin Sharma, Pooja Meli, Purushottam Omkar Vankede, Riya Garg, R. Deepak, Sachin Kumar, Shivangi Singh, Shivangi Srivastava, Shivani Mishra, K. Sravani, Shreya Jain, Ismita Sethi, Sujit Kumar V, Tanya Singh,
Vishal. Vishwajit Thorat. Vishwas Ningappa Harchad. Yash Chauhan. Vishal Sopan Jagde. Aditi Patel. Ajay Punia. Anish Reddy Adi Reddy. Ankit Subarno. Ashish Kumar. Akshat Shah. Gali Suresh. Ganesh Pawar. Gaurav Mittal. Golu Likhita. Hardayal Singh. Harshit Saxena. Iram Ansari. Janvi Nagar. Juliet Wilson. Isani McWan. Mansi Yadav. Mohana Priya Srinivasan. Nachiketan M. Nimisha Sudarshanan. Satish Oladri. Pranay Dasarwar. Pratik Selke. Pratyush Pratik Panda. Ritika. Rohan Shah. Rohit Mukherjee. Sahil Anand. Sai Krishna Verma P. Shailendra Tiwari. Shanmuga Sundar SR. Satabdi Roy.
Simul B. Bhagat. Sivam Kumar Chaurasia. Shiva Prashad. Shreya Singh. Subham Kamboj. Gavit Sneha Salim. Umang Parmar. Ankit Kumar Gupta. Anuva Saha. Balchandran S. Binjan Patel. Deepesh Kumar. Rohit J. Dankecha. G. Arun Kumar. Gautam. Gokul J. Meprith. Hargun Jot Singh. Hitarth Dhamsania. Jagriti Kumari. Komal Singh. Mada Sindhu. Neepa Agrawal. Nihal Bharadwaj. Pragati RM. Parameshwar Lal. Pranshu Singh. Raghuraman. Rahul Bokhla. Rajiv Singh. Riya Thakur. Rishabh Chaudhary. Ritika. Rushikesh Gawande. Sahil Bora. Sai Nivedita. Sanjita Bhati. Sarans Agnihotri. Sarad. Sital Raj. Subham Patel.
Shweta Mahadole. Suraj Chirsagar. Tom David KJ. Veena Ipari. Vishal Ghule. Bhanu Teja. Yogesh Joshi. Yukta Vikram Doshi. Asna Sharma. Abhishek Singh. Aditi Agrawal. Ajay PC. Anjana Sahu. Anvesh Verma. Apoorv Khare. Krishna Vallabh Chaudhary. Dheeraj Raj Senapati. Dhrumil Sa. Divya Jyoti Mohanty. Gokul Krishna KG. Hemant Singh Bist. Kunal Jadhav. Jaiveer Singh. Jay Babaria. Jyotsna Parmar. K. R. Devabrat. Pritika Das. Mansi Sharma. Medhavi. Vatsal Modi. Mohammad Manaf CP. Nirmalya Patra. Prashant Mugadur. Priyansu Prajapati. Pulkit Prashad. Rahul Kaga. Rajeshwari Korlahalli. Rakesh Kashit. Ritigya Sri. Riya Adi. Robin Gotia. Sarthak Kuthyal.
Soumya Singh. Sandeep Sankula. Shashikant Sukla. Shivam Kumar. Simran Gupta. Sumit Anurag Vishwakarma. Sumit Khatkar. Trisha Banerjee. Yash Mahajan. Yash Pathak. Yashasvi Damani. Vikas Kalki M. Prakhar Pratik. Shreyansu Singh. Nitin Goyal. Vaishali Jain. Gopalika Gupta. Pratik Kavishwar. Nikhar Amit Gandhi. Yash Modi. Gaurav Patel. Kalpan Shah. Siddharth Ram. Suraj Singh. Jigar Patel. Prince Kumar. Stuti Agrawal. Aravindan SB. Rishabh Upadhyay. Vidhu Bamra. Ronak R. Kothari. मैं डॉक्टर उमाकांत दास, निदेशक इरमा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इट्स माय प्लेजर टू अनाउंस द गोल्ड मेडल्स। द विनर ऑफ द इरमा गोल्ड मेडल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट रूरल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। It's my pleasure to announce the winner of the Irma Gold Medal for the third batch of the Postgraduate Diploma in Management, Rural Management Executive. The gold medal is presented to the topper of the Postgraduate Diploma in Management, Rural Management Executive,
This year's award is Saika Samant. I now request the Honorable Chief Guest to award the gold medal to Saika Samant. The next prize, Kuchibotla Vasanti Gold Medal for the 42nd batch of the Postgraduate Diploma in Management, Rural Management. It's my pleasure to announce the winner of the Kuchibotla Vasanti Gold Medal for the 42nd batch of the Postgraduate Diploma in Management, Rural Management. The Kuchibotla Vasanti Foundation was started in the memory of Irma graduate, late Kuchibotla Vasanti, who immediately after the completion of the program in April 1997, joined Gram Vikas, a non-government organization in Odisha. She passed away in an unfortunate accident in 1997. Her parents, family members, well-wishers and friends started a foundation in her name to realize her dreams and goals. The foundation decided to award a gold medal to the topper of the graduating batch of the two-year postgraduate diploma in management, rural management each year. This year's awardee is Keshav Goyal. I now request our Honorable Chief Guest to award the gold medal to Keshav Goyal. Thank you. धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर आर एस सोधी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। आई कैन सी आफ्टर सो मच क्लैपिंग कितना वाइब्रेशन और एनर्जी आ गया इस हॉल में। और आपने देखा होगा हमारे माननीय मंत्री श्री आपको कितना उत्साहित कर रहे थे क्लैपिंग के लिए, आपसे ज़्यादा वो उत्साहित थे। आदरणीय माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर Rural Development and Panchayati Raj, Government of India, and today's chief guest, Padam Shri Ms. Reena Nanavati Ji, Director Seva, and today's guest of honor, Dr. Umakant Das Ji, Director Irma, Chairman National Dairy Development Board, and my colleagues of the Board of Irma, all the invited guests, managing director of the various cooperatives, all the vice chancellors of Gujarat universities, and also the officers and the executives of various institutions of Anand, and also a very, very talented and committed faculty of Irma and staff. ऑल द हमारे बहुत प्यारे प्रेस और मीडिया के भाईगण और बहने जो यहाँ हमेशा आते हैं, ऑल द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो देयर पेरेंट्स, वेरी वेरी फीलिंग वेरी प्राउड एंड हैप्पी। इट्स माय प्रिविलेज दैट आई एम present and have participated in 42nd convocation of IRMA.
First of all, I'd like to congratulate all the graduating students and also the medalist, gold medalist, for whatever achievements they have done and have reached to a very, very important milestone of their life. Aaj ka din, a very important din, I think we are lucky that we are having this convocation on the day of World Milk Day, and that too in the milk capital of India. And we are also feel very proud that World Milk Day, where whole world has recognized the leadership of India in achieving the number one position in the world in the milk production, right from the deficit to the highest production. And for that achievement, immense contribution has gone into this by IRMA and IRMA graduating batch. मैं जब यहाँ स्टेज पे बैठा था तो मेरा भी मेमोरी 41 ईयर्स बैक चली गई, आपकी तरह बैठा था और मेरे ख्याल से मेरे बैच फर्स्ट बैच की प्रोमिला एंगर भी हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन योर माइंड, कितनी सेटिस्फेक्शन, कितनी हैप्पीनेस और थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचने का भी चल रहा होगा. Nothing wrong, that was there in our mind also and in your mind also. And we are very lucky that 43 years back, this institution has been established by the founder, the father of the White Revolution, Dr. Varghese Kurien, to train and to give rural managers to the Indian rural population. And now you are going to be the ambassadors of IRMA. When this IRMA was founded, the best of the people were involved. Right, the founder of Amul, Shri Tribhuvandas Patel, father of White Revolution, Dr. Varghese Kurien, and the best of the academician, Ravi J. Mathai, Michael Halls, Kamala Chaudhary, I mean, they all were involved and they taught us in the first batch. And I think you are from the same legacy. IRMA was established with a very, very appropriate idea at the right time. Operation Ferret was being implemented, and that time all the cooperative needed a lot of young, energetic professional managers. And Dr. Varghese Kurien was that time on IIM Ahmedabad board. He wanted to have best of the professionals to take care of implementation of Operation Flood, but unfortunately he could not get. And that time he got idea of establishing IRMA, and what we see is today IRMA achieved in the last 43 years. Dr. Kurien, when he established IRMA, he gave a very differentiated product, which is rural managers. Because he wanted to have manager or MBA graduate or PGM, not merely having a lot of skills in analysis, paperwork, making a lot of project reports, and planning about the forecasting about future. He also wanted to them have with action, grounded, very, very concerned about the rural realities. And that is why IRMA graduate is different from any other management graduate or management institute. While sitting here, I can also was thinking that when our convocation took place, kya hua us waqt? मुझे याद है मंत्री श्री, जब 50 हमारे यहाँ कन्वोकेशन था तो गुजरात के 50,000 किसान आपकी तरह हमारे कन्वोकेशन में आए थे और हमारा वेलकम करने के लिए कि हम फर्स्ट बैच IRMA ग्रेजुएट को वेलकम करते हैं,
आप हमारे लिए काम कर रहे हैं करेंगे, आप हमारा जो इनकम लेवल बढ़ाएंगे, आप हमारी लाइवलीहुड के और सोर्सेस को आगे लेके आएंगे। आई जब ये भी मैं सोच रहा था, मैं पेरेंट्स को देख रहा था, मुझे याद है इन पेरेंट्स में मेरे भी पेरेंट्स बैठे थे उन दिनों, और कन्वोकेशन के बाद उनके चेहरे पे जो हैप्पीनेस थी, जो खुशी थी, अभी भी मैं जब सोचता हूँ तो मुझे, और मुझे याद है कि अभी भी कहीं भी गैदरिंग होती है, कोई भी बात होती थी रिलेटिव, वो हमेशा इरमा कन्वोकेशन में उनका क्या एक्सपीरियंस है उनकी बात करते थे। तो आई सल्यूट ऑल द पेरेंट्स फॉर दिस अचीवमेंट। इरमा वॉज एस्टेब्लिश 43 ईयर्स बैक बिकॉज अ वेरी गुड आइडिया एंड रेलेवेंस दैट टाइम, बट जैसे जैसे टाइम पास करता जा रहा है, आई फील रेलेवेंस ऑफ इरमा इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गोल देश को दिए हैं, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, डबलिंग फार्मर्स इनकम, सहकार से समृद्धि, देखिए ये गोल हैं जो इरमा और इरमा के ग्रेजुएट्स अचीव करने में मदद कर सकते हैं, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, व्हाट दे हैव डन इन द ऑपरेशन फ्लड। आप सब सोच रहे होंगे कि आपका भविष्य क्या है, व्हाट इज योर फ्यूचर। योर फ्यूचर इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, एंड इंडिया फ्यूचर इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ भारत विच इज रूरल इंडिया। वी नो दैट टूडे वी आर द 1.38 बिलियन पीपल एंड बाई 25 ईयर्स विल बी 1.65 बिलियन, और जो भारत अगले 25 साल में वर्ल्ड की दो बड़ी इकोनॉमी में गिना जाएगा। और अगर इंडिया को उस लेवल पे पहुंचना है तो खाली अर्बन इंडिया ही नहीं पहुंच सकता, उसमें रूरल इंडिया जिसको हम भारत कहते हैं उसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। और अगर हमको रूरल इंडिया और भारत की तरक्की करनी है, उन्नति करनी है, और पहली दो इकोनॉमीज में उनका योगदान बढ़ाना है, उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है एग्री वैल्यू चेन की, और फूड उसका आउटपुट है और बाकी सर्विसेज। अगर मैं आपको बताऊं, आज अगर पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो एक फूड मार्केट है और जो भविष्य वाली है, अभी भारत की जो एग्री वैल्यू चेन की आउटपुट फूड की मार्केट इस वक्त 40 लाख करोड़ की, पर उसमें अपॉर्चुनिटी जो रूरल मैनेजर्स के लिए है कि उसमें से सिर्फ 11-12% ही ऑर्गेनाइज है। और हमको ये देखना है कि कैसे ये जो ग्रोथ फूड मार्केट में या एग्री वैल्यू चेन में आएगी, इसको कैसे ऑर्गेनाइज वे में लेके जाएं, जिसकी वजह से जो किसान है, जो वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन करता है, दूध का करता है, लाइव स्टॉक है, या बाकी जो सर्विसेज हैं, उसको उसके आमदन में बढ़ दी है। और तभी पॉसिबल है जो एग्री वैल्यू चेन में एफिशिएंसी लाई जाए, नई से नई टेक्नोलॉजी लाई जाए, और उसको सही दाम पे मार्केट में बेचा जाए। सो मैं कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप गुजरेंगे, देखेंगे कि इरमा ग्रेजुएट्स की डिमांड हर क्षेत्र में बढ़ गई है काफ़ी, और बढ़ेगी, और उसमें आप लोगों की बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन रहेगा। देखिए, आप लोगों ने इरमा ज्वाइन किया बिकॉज ऑफ इरमा की क्रेडिबिलिटी, ब्रांड क्रेडिबिलिटी के हिसाब से। मुझे याद है जब हमने 43 इयर्स बैक इरमा ज्वाइन किया था, उस वक्त इरमा को कोई जानता नहीं था, देयर वाज नो ब्रांड लाइक इरमा। बट क्या ब्रांड था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन का, कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ? उन्होंने जो काम किया था उसकी वजह से इरमा ब्रांड में हम आए। अभी आप लोग जो काम करेंगे, जो डिलीवर करेंगे, उससे इरमा ब्रांड की आगे क्रेडिबिलिटी बनेगी और ब्रांड बढ़ेगा। सो इरमा
इर्मा ब्रांड की फ्यूचर आप लोगों के हाथ में, आप क्या काम करेंगे, कैसे आप डिलीवर करेंगे, क्या आपका रवैया रहेगा, क्या आपकी टीम नेटवर्क रहेगा। मुझे बहुत सौभाग्य था कि आई कुड गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद डॉक्टर वर्गीस कुरियन फॉर 32 ईयर्स। पहले काफ़ी दूर से, फिर काफ़ी पास से, और फिर मोर लेस डेली। आई थिंक प्रोमिला आयंगर ऑल्सो शी वॉज वर्किंग विद डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सो शी ऑल्सो। उनकी जो, उनके साथ काम करने की, उनको देखने की, उनको ऑब्जर्व करने की जो लर्निंग्स हैं, आई थिंक वो आप सब मैनेजर्स को, एवरी प्रोफेशनल हैज़ टू डू इट। मैंने देखिए प्रोफेशनल लर्निंग तो काफ़ी हैं, बट जो वी हैव, एक तो मैंने ये देखा कि ही यूज़ टू गिव फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशनल्स एंड देयर डिसीजन, चाहे यंग हो, और रिस्क लेके देते थे। बेस्ट ऑफ द प्रोफेशन हायर करने, उनको फ्रीडम देनी, और ठीक है गलती करेगी उसको गाइड करना और आके लेके जाना। बाकी एक्सीलेंस, नथिंग लेस देन द बेस्ट। आप सोच सकते हैं कि आज से 43 इयर्स बैक इन्होंने इर्मा बनाया, आपकी एनडीडीबी कैंपस 50 साल पहले बना, आज भी कितना कंटेम्प्रेरी लग रहा है। आप इस हॉल में बैठे हैं, आपको लग रहा है कि ये इतना पुराना है। यू कैन सी द एक्सीलेंस उस वक्त, ये जो आपके हाथ में डिप्लोमा दिया, जो कवर दिया, जो कलर दिया, ये जो ड्रेस थी, जो अंगवस्त्र पहना, ये जो लोगो है, ये 41 साल पुराना है। कितना कंटेम्प्रेरी है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलेंस। एक सबसे महत्वपूर्ण की जो हम थी कि इंटीग्रिटी। मुझे याद है हम एक बार ऐसे ही उससे इंटरेक्शन कर रहे थे, तो किसी हमारे बैचमेट ने पूछा कि आप डॉक्टर कुरियन रिक्रूट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ही वॉज हेडिंग मैनी ऑर्गेनाइजेशन, आप क्या देखते हैं। वो कहते हैं हम तीन चीज़ें देखते हैं व्हेन वी टेक ए पर्सन गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट थिंग इज इंटेग्रिटी, सेकेंड इज इंटेग्रिटी, एंड थर्ड इज इंटेग्रिटी। दैट इज वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आरवा वगैरह। और एक कहते थे पेशेंस, नथिंग कैन बी अचीव ओवर नाइट। तो वही मैं, आप देखिए आप लोग अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, आप सोच रहे होंगे अभी क्या करना, कैसे रहेगा। तो देखिए आजकल जो एक प्रोफेशनल का कैरियर होता है 40 से 50 साल का होता है, 40 to 50 years। एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, माय लर्निंग, माय जो भी काम किया, आई कैन टेल यू कि लॉन्ग टर्म में ओनली टू थिंग्स पे, हार्ड वर्क एंड पैशन, नो शॉर्टकट्स इन लाइफ पे यू। मनी इज इम्पॉर्टेंट, देखिए पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना पड़ता है, बट आई कैन टेल यू बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, प्लीज डोंट फॉलो मनी, डू सच ए वर्क दैट मनी शुड फॉलो यू, पीपल शुड फॉलो यू। आप, आपके करियर में पहले 10 साल ज़्यादा कमाना चाहते हैं कि लास्ट के 20 साल आपको वो काम करना है, वो डिलीवरी करनी है। मैं, जो आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, हमारे भी कन्वोकेशन में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने एक लाइन बोली थी, मैंने चाहा कि वो भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो हमारे दिमाग में अभी भी है। डॉक्टर कुरियन ने बोला था, आवर फर्स्ट ड्यूटी इज टू द इंडिया, जिसमें भारत भी है। आवर सेकेंड ड्यूटी इज टू द फार्मर्स, जिनके लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया, स्पेशली द पुअरेस्ट। Our third duty is to the institutions or the IRMA from where we are graduating and building the brand equity further. And last duty to yourself. आज हम बहुत fortunate हैं कि आज stage पे हम जो chief guest और guest of honor बैठे हैं, वो rural management, rural development में सिर्फ बात करने वाले ही नहीं हैं। उन लोगों ने ग्राउंड पे रह के बहुत सी चीज़ें सोची हैं, किया है, अचीव किया है, और लाखों लोगों को ऊपर लेके आए हैं। अभी जो माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी हैं, मिनेश शाह जी भी बोलेंगे,
जैसे आपके वो गुरु बैठे हैं, हमारे वो गुरु हैं। हम, मैं और मिनेशा जब भी इनको मिलने जाते थे, हमको मालूम है कि आज ये हमारे को बढ़िया ज्ञान देंगे। देखिए, ज्ञान सिर्फ हवा में नहीं होता, ज्ञान बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, विजडम, एग्जीक्यूशन के बेस पे होता है। और हर बार जाएंगे, कुछ ना कुछ आइडिया देंगे। खाली आइडिया नहीं कि आप ये कर दीजिए, उसको कैसे करना है। और हमने देखा था कि उसकी नॉलेज, जो चीज़ बोल रहे हैं, हमारे से ज़्यादा उनको ऑलरेडी है, तो वो हवा में बात नहीं कर रहे। मुझे याद है, अभी जो जाकरियापुर बायोगैस का प्रोजेक्ट है, पूरे इंडिया में फेमस हुआ, वो माननीय मंत्री जी का आइडिया था। पहली बार हम मिले तो हमने सोचा ऐसे ही है। अभी मिनेश शाह जी ने कल बताया 50,000। देखिए, और हम जब मिलने जाते थे, इनको पता होता था कि आज कितने किसानों के घर पे बायोगैस प्लांट लग गया है, और उसमें से कितनी गैस प्रोड्यूस हो रही है, और क्या उसमें से बायो फर्टिलाइजर है। फिर मोरिंगा का वो संग्राम चौधरी भी मेंशन कर रहे थे, वो फेमस प्रोजेक्ट है। IVF और एम्ब्रो ट्रांसफर, मुझे याद है कई बार हम बैठे होते थे, ये नहीं कि बात क्या, हमारे सामने ही एज टॉक टू द वाइस चांसलर ऑफ IVRI गढ़वा सुखी, उसमें क्या हुआ एम्ब्रो ट्रांसफर में। मुझे याद है जो इवन मिनिस्टर जो रूरल डेवलपमेंट बन गए, मुझे एक बार फ़ोन करते हैं कि मेरे को आके जब भी आना है कृषि भवन मिलना, कि मैं अभी नॉर्थ ईस्ट गया था, वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ बांस के, बेम्बू के, कुछ लोगों ने, किसानों ने बनाए वो प्रोडक्ट्स लेके आया, जो आइसक्रीम के स्पून्स वगैरह, दिमाग में घूम रहा है। हाँ, हम एक चाहेंगे जिन्होंने हमारा को काम दिया, जो अभी तक हमने नहीं किया, उन्होंने कल शिकायत की, उन्होंने बोला कि अमूल श्रीखंड बनाता है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, गुजरात महाराष्ट्र में तो बहुत बेचते हो, आपको जैसे फॉरेन से आके पिज़्ज़ा पूरे इंडिया में छा गया, श्रीखंड आपका प्रोडक्ट पूरे इंडिया में क्यों नहीं छाया, आपने अमूल ने उस पर काम करना थी। आवर गेस्ट ऑफ ऑनर पद्मश्री मिस रीमा नेतृति ने 30 दशक तक रूरल महिलाओं के लिए, उनकी कोऑपरेटिव्स के लिए काफ़ी काम किया है, अंडर द मेंटरशिप ऑफ मिस ईला भट्ट, जिनको हम सब लोग बहुत मान देते हैं, एंड अभी वो सेवा की डायरेक्टर हैं। सेवा ने मिलियंस ऑफ वीमेन को एम्पावरमेंट भी किया, उनको रोजगार भी दिया, और उनको सोसाइटी में एक मान दिया। सो व्हाइल कंक्लूडिंग आई कैन से कि आप लोग, यू आर द बेस्ट ऑफ द लॉट कि यू गॉट इन टू इरमा, यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, एंड आल्सो ग्रेजुएटिंग इन द बेस्ट फील्ड विच हैज गॉट फ्यूचर, दैट इज रूरल मैनेजमेंट, एंड your performance is going to give livelihood to the millions of people. You had the best of education from the best of faculty in your best of the campus, and also you are entering into the career best of the time when India is becoming world one of the biggest economic power. So my dear students, give your best to the society, to rural India, so India can become best, or we make India best in the world. Jai Hind. Now I invite our guest of honor, Padma Shri Miss Reema Narthi ji, to deliver her address. Thank you. नमस्ते। आदरणीय मंत्री महोदय श्री गिरिराज सिंह जी, डॉक्टर सोदी साहब, डॉक्टर उमाकांत दास जी, इरमा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, NDDB के प्रेसिडेंट, डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टी ऑफ इरमा, वाइस चांसलर्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स,
It is my privilege, and I'll be speaking today here on behalf of our 2.5 million members of SEWA, all rural women workers in the informal sector of our country. Mahatma Gandhi ji and the Indians brought about the non-violent political freedom to India in 1947, jisko hum bolte hain rajkiya azadi, jo hamari pehli azadi thi. Dr. Kurian and our founder like Ela Ben and others in India aimed to bring about the economic freedom to millions of fellow Indians as a follow-up. Aur wo aarthik azadi, jinko hum dusri azadi bolte hain. And now it is up to us, the IRMA graduates and all Indians, sorry. And now it is up to us, the IRMA graduates, I also include our SEWA members and all Indians, to bring about freedom, jo Sodhi saab bolte the, to the rural India, jo hamari grameen azadi hongi, aur Mantri Mahoday ji, wo hamari teesri azadi hongi, jo Bharat ko sabse nyuntam aur powerful economy banane jayega. Abhi bhi rural India and rural women yet have to enjoy the same fruits of freedom. And I think we must try more. And that is what I'm sure the students, the graduating students of IRMA will do that. Future of rural and the women of our country. And I had the good fortune to be with, working with the members of SEWA for almost 4 decades now. And also a member of the historic Global Commission on Future of Work, jo ILO ne banaya tha. And the most far-reaching takeaway for me was that the future of work is both rural and women. To bhavishya to hamara grameen hi hai aur grameen mahilaye hai. More and more work, real work, will come up in rural areas, from rural areas and for the rural areas. And I think that is going to be the key of development. Currently, if we see cities are growing fast, but at the cost of the rural areas and the rural workers. Cities hold azadi of the villages in their hands. And this azadi has to be reclaimed by the rural and the women and the citizens of rural India. It is doable because rural poor and women are very innovating. Innovation is their survival or coping strategy. And our experience has also shown that poor do not want charity. What they want is an enabling environment that equips them in their fight against poverty and earn a life of dignity and self-respect. And therefore, I think the agenda for Teesri Azadi or the Grameen Azadi, as we say, and how do we achieve this? And let me detail out that cooperatives are not new to IRMA or its graduates. Cooperatives build natural strength at the local level. Cooperatives share the fruits of benefits equally. Cooperatives lead us out of competing against each other and join hands and fight poverty and share prosperity. And thus, I feel that cooperatives and collectives like the self-help groups are the basis for all rural economic and occupational structures. In the past 50 years, this is what SEWA has been doing, and we have set up more than 200 cooperatives reaching out to around 9 lakh women workers. I think IRMA graduates must give a big push, not just to thousands, but lakhs of new cooperatives in the rural areas each year. Likewise, unions are not new. Unions organize the poor to build their strength. Unions multiply individual strength. Unions are not against anyone, but for the poor and for the workers. Unions are the basis for rural and the women workers' freedom, Teesri Azadi. And for that Grameen Azadi,
we must build thousands and thousands of cooperatives and the cooperative unions each year in the rural areas. And I say this based on some concrete examples that have worked and worked with success and sustainability. Kamala is our urban outlet of rural women that includes farmers, spice producers, vegetable growers, orchard owners, and food workers. Kamala also stands for Dr. late Dr. Kamala Chowdhury, who also was a strong believer in the women workers, members of Seva. Kamala buys inputs from the poor women and their cooperatives, and about 80% of Kamala's revenue goes to rural producers. How from one spot, Kamala, we are now invited to IIM Ahmedabad, also to open a Kamala and many more locations in Ahmedabad. My urge to IRMA graduates, let us build such Kamala in each university campus in our country, in India. IRMA and Seva together can do this so that rural women workers have direct access to the cities and the educational campuses, and therefore no woman in our country is left behind as illiterate. Similarly, Rudy is our agribusiness initiative owned by 28,000 small women farmers. And for rural women itself, it reaches out to 2 lakh families and provides them with food and nutrition security. And will now move to many more states like Rajasthan, UP, Madhya Pradesh, Jharkhand, West Bengal, and Orissa. Rudy buys and sells grains, vegetables, salt, spices, and many more things that the rural women produce. It reduces the distance between the rural producers and the consumers. Why cannot we build such Rudis in each state of India to double the incomes of the farmers? That is one of the goals of our country. Likewise, we need Haryali, which covers the 2 demands of the rural women, finance and environment. Haryali is a green fund of women, by women, and for women to seed, nurture, grow, and spread green economic activities, forestry, solar pumps, solar lamps, battery cars, school roof, and many more, so that women play a big role in climate action. It is the only rural green fund for adaptation and mitigation measures for now facing over 10 years of cyclones, floods, heat waves, and protecting women and their income, almost of 4 lakh families. So therefore, dear IRMA graduates, I think the challenge is that how do we set up tens and hundreds of such Haryali funds in each climate hotspot of India? I can go on and on. We have Hansiba as our brand, and building artisan-to-artisan business network that is sustainable and profitable, that's the aim of our Grameen Azadi, the Grameen women of our country. Likewise, needless to say that cooperatives, collectives, self-help groups, and the associations and federations can set up Kamala and Rudy, Hansiba and Haryali, all connected to each other like a banyan tree. One ends where the other starts. And that is the beauty of rural and women's institutions, always hard to put in black and white, but they all strive for interconnectedness, and we call it as Anubandh, and they build an economy of nurturance. Let me explain what is Anubandh and building an economy of nurturance. Anubandh means correlation. Anubandh is mutuality. We cannot only focus on rural and women. We must see what is the agenda and the impact. What impact can IRMA do on itself, but also on the society, as Sodhisab was saying. We must see how this agenda is affecting our national and global initiatives on food, on infrastructure, on health, and women's empowerment. And we must see how we all are impacting the rural environment
and women's lives all around us on this planet. That is co-create, co-impact, and co-benefits. All this, dear graduates, is what our late founder taught us. We call it as Anubandh. She said, let us acknowledge this bond between us. India is sustained by the sum of all of our correlated actions. And finally, building an economy of nurturance, dear graduates, let me explain the purpose of rural management is not management per se, but management for change. Change in rural poverty, change in rural vulnerability, change in rural institutions and structures in favor of all poor, including women. And further, all these efforts of Anubandh must dismantle a competitive and unsustainable existing economy while building an economy of nurturance. That economy where women and workers collaborate, that economy where economic growth is not at the cost of the ecosystem, that economy where water harvesting is more profitable than water pumping, and that economy where planting trees brings more profit than cutting trees. Dear graduates, do not only build or run bigger corporations or brighter rural brands. It's not either or, but be a part of changing the economy that keeps poor women and them in the center. Only you can develop this agenda for transformation, which is greener, cleaner, and nurturing the economy. That will bring us the dream that is the Teesri Azadi or the Grameen Azadi. And finally, last but not the least, this is possible or doable will be the question. Yes, it is possible and doable only when we are united. Hum sab ek hai. We all are one. We are united. Unless we share this spirit of unity, that we all are one, we will not even be able to keep the pehli azadi or the dusri azadi and nor achieve the third or the grameen azadi. So may I invite all of us to say together, hum sab ek hai. So maybe I'll say and we all can say it together. Hum sab! Ek hai. Hum sab! Ek hai. Hum sab! Ek hai. Thank you so much. धन्यवाद मैम। अब मैं डॉक्टर आर एस सोधी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आई फील प्रिविलेज अभी मैं हमारे चीफ गेस्ट माननीय मंत्री श्री गिरिजा सिंह जी को अपना ज्ञान और वक्तव्य रखने के लिए बुलाता हूँ। धन्यवाद। लगता है सोडी जी मुझे आज कोई इनको मिला नहीं। मैं बच्चे एक बार आपसे कहूंगा क्योंकि अब जब जा रहे हैं देश के लिए एक बार भारत माता की जयकारा भी लगाएं। भारत माता की मैं देख रहा हूं, चेहरे भी देख रहा हूं, हाथों को भी देख रहा हूं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं यहां बैठे लोगों के पहले मैं इन बच्चों को धन्यवाद दूं या बच्चों के माता पिता को धन्यवाद दूं।
तो मैं माता पिता और इन बच्चों को धन्यवाद देता हूं कि आज दोनों को, और नीचे इसमें से कुछ मेरे गुरुजन भी हैं, मेरे गुरुजन मतलब मैं इरमा में पढ़ा नहीं हूं, मुझे जो ज्ञान देते हैं, जितना मेरे विषय में कह दिया, अगर वो कोई करने वाला है तो एनडीडीबी के चेयरमैन मिनेश शाह जी के कारण हुआ, चौधरी जी हैं, तमाम वैसे लोग हैं जो मुझे कुछ न कुछ ज्ञान देते रहे हैं। मंच पर मैं आज चेयरपर्सन के रूप में मैं सोडी जी को, आज मुझे खुशी हो रही है कि सोडी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ के विद्यार्थी होने के बाद अमूल को पूरे दुनिया में एक प्रोडक्ट के माध्यम से आज टीवी के विज्ञापन हो या गांव में अमूल का प्रोडक्ट हो या देश और विदेश में, सबों का योगदान रहा है। लेकिन मार्केटिंग एक बहुत बड़ी कला होती है, एक बहुत बड़ा विजन होता है। तो मैं आज वैसे चेयरपर्सन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सोडी जी को। कि जब भी कोरोना काल में मैं कोऑपरेटिव को भी धन्यवाद देता कि पूरे देश में, वैसे तो जितना दूध प्रोड्यूस होता उसका 20-25% दूध ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता, लेकिन वो भी किसानों के लिए बहुत राहत का हुआ था। उसमें एनडीडीबी और अमूल से मैं बात करते रहता था, सभी मिल्क यूनियन के एमडी चेयरमैन से बात करते रहता था, तो उसमें भी कुछ रास्ते मिलते थे। और भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हम उस कोरोना को, किसानों को बचा पाए। आज यहाँ आपके सामने में एक ऐसे केवल देश ने सम्मान नहीं किया है, बल्कि इन्होंने पूरे जीवन में एक अपने आप को, रीमा नानावटी केवल नाम नहीं है, आज एक इंस्टीट्यूशन बन गया है महिलाओं के उत्थान के लिए। पद्मश्री इनके लिए, इनके कामों के लिए पद्मश्री बड़ा है कि छोटा है मैं सोच नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इन्होंने जिस ढंग से काम किया है। लेकिन पद्मश्री रीमा जी को मैं कोटिशा धन्यवाद देता। और जब आज जिस कार्यक्रम में आए हैं उसके निदेशक मान्यवर उमाकांत जी, लेकिन जिस स्थान पर मैं बैठा हूं, मैं जब इस आप बच्चों से मिल करके, अभिभावकों से मिल करके, सारे लोगों से जब मैं इस आ रहा था ऑडिटोरियम में, तो मैं त्रिभुवन दास पटेल जी के छोटे से स्टैचू के सामने खड़ा होकर के मैंने वो अनुभूति मिला। आज संयोग से दुग्ध विश्व दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है, तो त्रिभुवन दास जी को याद किए बगैर नहीं हो सकता। अगर त्रिभुवन दास जी को याद करते हैं तो व्हाइट रेवोल्यूशन के जन्म जाता कहाँ दक्षिण भारत में पैदा लिए, आदमी सीमित होता है अपने स्वार्थों के साथ, लेकिन त्याग के कारण आज कुरियन साहब को याद किए बगैर
हम नहीं रह सकते वैसे कुरियन साहब। देश में रूरल इकोनॉमी के लिए क्रांति आई, आज भी लगभग 68% आबादी गांवों में है। वैसे आजादी के समय से तो हम 70-80% उसमें ग्रीन हरित क्रांति आया, उसके लिए मैं किनको याद करूं, जरा कोई बच्चे बोलो तो। लाल बहादुर शास्त्री को, स्वामीनाथन तो उसके टूल थे, इच्छा शक्ति थी लाल बहादुर शास्त्री को। जब तक लाल बहादुर शास्त्री को याद करेंगे तो स्वामीनाथन को याद किए बगैर नहीं रह सकते। लेकिन शायद ये कहानी आप बच्चों को मालूम होगा कि नहीं, कि हरित क्रांति, स्वामीनाथन तो एक साइंटिस्ट थे, इच्छा शक्ति थी। जब पीएल 480 के तहत हम गेहूं अमेरिका से मदद में लेते थे, जब लाल बहादुर शास्त्री गए वही गेहूं वहां के जानवर खा रहे थे। उन्होंने देख करके कहा मैं गेहूं नहीं लूंगा। स्वामीनाथन सहित सारे ब्यूरोक्रेट्स के पांव फूल गए कि मेरे पास 7 दिन हफ्ते में 1 दिन का अनाज नहीं है। और दृढ़ शक्ति का व्यक्ति, उसने केवल स्वामीनाथन से पूछा कि कितने दिनों में आप नए वैराइटीज को ला सकते हैं। उन्होंने 1-1.5 साल समय लिया और कहा चलो, सारे लोगों का हाथ पैर, और उन्होंने भारत के भारतवासियों के ग्रामीण भारत की ताकत पर, 2 ही व्यक्ति पैदा हुआ आज तक पॉलिटिकल जिसको जनता ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, उस समय के लोग यहां अगर होंगे उस जमाने के, जो 60 में कम से कम 60-65 में 67 में उन्होंने कहा हिंदुओं से कि सप्ताह में 1 दिन एकादशी बनाओ, उपवास रखो, और मुसलमानों से कहा तुम रमजान रखते हो तुम उसे उस ढंग से उपवास करो। और पूरा देश लाल बहादुर शास्त्री के बातों में, उनके विश्वास पर, उनके निष्ठा पर, और आज वो हरित क्रांति में परिवर्तित हो गया। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी क्रांति जो श्वेत क्रांति की चर्चा हमने की, तीसरी क्रांति अभी श्वेत क्रांति के साथ हमारे डायरेक्टर, यानी हम भी कहीं पढ़ रहे हैं, हमारे टीचर बड़े कड़े हैं, हेडमास्टर, उस हेडमास्टर का नाम है नरेंद्र मोदी। उन्होंने एक स्वीट क्रांति दिया है नाम, और गुजरात से ही उसकी शुरुआत हो रहा है कि प्रकृति से बी कीपिंग। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी आज पूरे दुनिया में कोरोना के बाद मैनेजमेंट गुरु के रूप में पूरा दुनिया नतमस्तक है। मैं इस अवसर पर सबों को फिर से धन्यवाद देता, लेकिन मैं जब आज सोडी जी को एक मोटिवेटर के रूप में, दीदी तो सब दिन मोटिवेट ही की हैं, जो आदमी सब दिन बाजार में माल कैसे बेचा जाए वैल्यूएट को, आज मैं बच्चों को मोटिवेट करते हुए देखा,
एक मोटिवेटर के रूप में। मैं यहाँ आने के लिए जो मुझे आमंत्रण दिया गया इसके लिए मैं कोटिशा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज इस शिक्षा के मंदिर में और इस मंच के माध्यम से मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। आप चेहरा देखते ही लगा होगा कि अब तो बोर होना ही पड़ेगा कुछ देर, लेकिन मैं भाषण से बोर नहीं करूँगा, मैं अपने उम्मीदों के साथ आपके साथ बात करूँगा। मैं बल्कि उस भारत से मिलने आया हूँ जो अमृत काल के नए भारत के शिल्पकार होंगे, मैं उस भारत से मिलने आया हूँ, मैं उनसे बात करने आया हूँ। मुझे खुशी है कि आप सभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडल, गोल्ड मेडलिस्ट, तो मैं दीदी से पूछ रहा था, रीमा दीदी से, मेडल का हिंदी तो पदक, पदक और स्वर्ण पदक की दूरी बहुत कम है, और जीवन के पदक और स्वर्ण पदक, जो आज स्वर्ण पदक विजेता हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी अधिक है, पदक विजेता से ग्रेजुएट, डिप्लोमा, डिग्री, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि आप जा रहे हैं, मैं आपसे क्या कहूं, कल तक आप स्टूडेंट थे लेकिन अब आप, लेकिन अब आप क्या हैं, आप एक उम्मीद हैं, आप एक उम्मीद हैं। उन करोड़ों किसान के जिनके मन में आपके प्रति, इस इंस्टीट्यूशन के प्रति एक उम्मीद है, वो आएंगे तो हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन का कुछ सलूशन लेकर के आएंगे। आप करोड़ों माँ बाप के उम्मीद हैं, आप उम्मीद हैं इस महान देश के गौरव गाथा में आप एक नया इतिहास लिखेंगे, इसलिए आप केवल उम्मीद हैं। और ये उम्मीद इस संस्थान के स्टूडेंटों से है कि जो कह रहे थे सोढ़ी जी, आप ब्रांड एम्बेसडर, विद्यार्थी ही इंस्टीट्यूशन का ब्रांड एम्बेसडर होता है, आप पर उम्मीद है, आप उम्मीद है। मैंने पहले ही कहा करोड़ों माँ बाप के जो सपना सजे रखा है आपके लिए, मेरा बेटा इरमा से पास करेगा तो क्या क्या करेगा, वो सबके उम्मीदें अलग अलग है ना। उम्मीद माँ बाप तालियां तो बताएं कि बच्चों के प्रति उम्मीद है कि नहीं, लेकिन आप उम्मीद हैं अपने उम्मीदों के उम्मीद, क्योंकि आपने जो जब आज के रात में, आज यहाँ कल से ही आपके मन में कई सारी उम्मीदें लग रहा होगा जो आपने बनाया होगा, लेकिन इन उम्मीदों से डरिए मत कि आज आपने जो पाया है देश, वो देश करोड़ों युवाओं का सपना, आप में वो सब कुछ पहले से मौजूद है, इसलिए आप डरिए मत, वो सब कुछ पहले से मौजूद है जो सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। आप ऐसे इंस्टीट्यूट से निकल के जा रहे हैं,
लेकिन याद रखेंगे भारत के सनातन संस्कृति में कहा गया है विद्याम ददाति ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वा धनम धनमा प्रोत्नीति धनात धर्म ततः सुखम। विद्या से विनय प्राप्त होता। विनय का अर्थ दक्षिण भारत के लोग आमतौर पर सरलता, सहजता, और विनय जब होता है विनयशील तो लक्ष्य को प्राप्त करने में वो एक बहुत बड़ा, और पात्र, और इस पात्रता से जब धन मिलता है तो धन से धर्म भी मिलता है। इसलिए विनय, सरलता, सहजता ये आपकी पूंजी होती है। गोल्ड मेडलिस्ट हमने की, हमने पीजी की, हमने ग्रेजुएट किया, ये आपकी ताकत है। लेकिन विनयशीलता आपकी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी। मैं आज इस अवसर पर मैं सबों को, युवा साथियों को, माता पिता को, गुरुजन को, सबको धन्यवाद देता, बधाई देता हूँ। इरमा के आज दीक्षांत समारोह में मैं महात्मा गांधी के ग्रामीण सशक्तिकरण और कुड़ियन को बिना याद किए हुए इस समारोह में रहा नहीं जा सकता कि आज डेयरी ने भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान दिया है। सोडी बता रहे थे, सीरियल क्रॉप केवल धान, गेहूं, मक्के जो भी है, बाजरा जो भी है, सबकी कीमत दलहन तेलहन सारे ले लेंगे तो आज उसकी कीमत से ज्यादा कीमत दूध की है, जिसको एक स्ट्रक्चर दिया है। वह स्ट्रक्चर डॉक्टर कुरियन ने दिया, जिसको ले जाने का काम यहाँ एनडीडीबी से लेके सारे लोग करते हैं। लेकिन आज भी हमारे पास कई चुनौतियां हैं। भारत के प्रधानमंत्री देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाना चाहते हैं। पत्रकारों ने पूछा 5 ट्रिलियन होता क्या है, हमके जो लिखने के लिए बैठोगे तो तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन पर वो नहीं लिख पाओगे। लेकिन आज आपके ऊपर जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति आज ये 9.5 लाख करोड़ का जो वैल्यू देश के सामने में, देश के जीडीपी में, इकोनॉमी में योगदान दे रहा है भारत का किसान, ये ग्रामीण भारत, ये अगर दे रहा है, क्या उस किसान से पूछिए कि मोदी जी के 5 ट्रिलियन में आपका, कहेगा हम क्या जानते हैं, वो तो बस एक ऐसी विधा आपने दी है को अपने को भी पाल रहे हैं और देश को भी बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण आज हम दुनिया के इकोनॉमी में 6ठे स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गए और उस इंग्लैंड को पीछे किया जो कभी मुझे पहले क्या था, अंग्रेज, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था। आज उस गुलाम बनाने वाले देश भारत पीछे ढकेल करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक कदम आगे बढ़ा। लेकिन आज हमारे कई इकोनॉमिस्ट, रूलर, जो ग्रामीण भारत के स्ट्रक्चर को बदलने वाले, हमारे सामने जुगाड़ू टेक्नोलॉजी, ग्रामीण भारत के अर्थव्यवस्था में ग्रामीण जुगाड़ू टेक्नोलॉजी एक नए स्टार्टअप है।
एक बार डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी विदेश में भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा इन माई कंट्री काउंटलेस फैक्ट्री ऑफ कार। कहा सब पागल है क्या? कहा कि डोंट वरी, कहा कि हर शहर में पुरानी गाड़ी को नया बनाने का हमारे यहाँ जुगाड़ू टेक्नोलॉजी से चलता है। आपने देखा होगा कि यहाँ हर इंसान गाड़ी लेना चाहता है, चाहे शोरूम की गाड़ी हो चाहे रिकंडीशनिंग गाड़ी हो। तो ये जुगाड़ू टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, जो आप उसे पूरा करेंगे ये उम्मीद है देश को। हम प्रोडक्शन करने के लिए साइंटिस्टों ने हमें, उत्पादन करने के लिए दुग्ध के साइंटिस्टों ने हमें, लेकिन रूलर मार्केटिंग और रूलर लॉजिस्टिक और उसके स्टोरेज, आज देखा होगा, कल अगर आप लोग अखबार को पढ़ते होंगे, हमारे यहाँ अनाज चूहे खा जाते, सड़ जाते। आज मोदी जी ने कल के कैबिनेट में, मैं था, 1,00,000 करोड़ से ज्यादा दिया है कॉपरेटिव पैक्स के माध्यम से गांव में स्टोरेज हो, एक मैनेजमेंट के तहत। तो हमारे सामने ये चुनौतियां हैं। आप बड़े बड़े कंपनियों में जाएंगे, लेकिन आज आपके सामने टेक्नोलॉजी के दौर में, हमारे पास टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो, आज बिना टेक्नोलॉजी का सहारा लिए हुए आज क्या कारण है? आज यहाँ से बैठे बैठे दुग्ध संघ के सारे अधिकारी लोग बैठे हैं, वो देखते हैं कितना फैट है दूध में, जो दूध आ रहा है टैंक लोरी आया उसका क्या स्टेटस है, उसके दूध का क्या स्टेटस है। आज टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान है। आज टेक्नोलॉजी के योगदान के कारण कभी इस देश में प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा जाता है किसी लाभार्थी के हाथों में। आज टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के देश का प्रधानमंत्री 39,00,000 करोड़ लाभार्थी के हाथों में दिया, 1 नया पैसा इधर से उधर नहीं हुआ, बल्कि 3,00,000 करोड़ का बचत हुआ। उन्होंने केवल ये नहीं कहा था न मैं खाऊंगा खाने दूंगा, उन्होंने अपने सहयोगियों को भी कहा कि न मैं सोऊंगा न तुम्हें सोने दूंगा। तो आज टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा हमारे लिए टूल है। जब भी आप बड़े बड़े जाएंगे इंस्टीट्यूट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप निश्चित रूप से, मुझे जब एक वाराणसी BHU में एक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला, वो था CBSE के टॉपर बच्चे जो जर्नल टॉपर थे 1 to 10, 500 बच्चे थे, बच्चे और बच्चियां। मैंने बच्चों से पूछा कि बेटे, 7 दिन का उनका एक्सपोजर प्रोग्राम था, मैंने पूछा कि सब फैकल्टी घूम लिए, सारे फैकल्टी का नाम लिया, कहा हाँ, आर्ट साइंस जितना है, कॉमर्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सारे। मैंने पूछा क्या खाए, कहा सब खाया, मिल्क प्रोडक्ट खाया, वेजिटेबल खाया, मीट मछली सब कहा। तब मैंने पूछा कि बेटे, इसमें से कौन IAS बनना चाहता है, UPSC?
एक भी हाथ नहीं, बल्कि होता तो दोनों हाथ खड़ा कर देता, पूरा 500 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर मैंने पूछा, डॉक्टर इंजीनियर आइए, सारे करते करते मैंने पूछा, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कितना बनना चाहते? उसमें से 15 बच्चे, उसमें से 5-6 लड़कियां थी, 9-10 लड़के थे। मैंने यूं ही कहा कि डीन साहब जरा इन बच्चों का नाम लें, ट्रैकिंग करेंगे किस इंस्टीट्यूट में नाम लिखाया है एग्रीकल्चर या लाइव स्टॉक साइंटिस्ट के रूप में। उसमें तुरंत 5-6 बच्चों ने हाथ गिरा लिया, क्योंकि सब तो आईएएस वाले थे, आईएम वाले थे, आईआईटी वाले थे, सब डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बनना चाहते थे। मैंने कहा, बेटे तुमने 7 दिन तो सारे प्रोडक्ट खाए, दूध सब चीज खाए, लेकिन एक चीज बताओ, कौन बच्चे हो जो एक दिन जरा हाथ उठाना कि सॉफ्टवेयर का चिप्स खा के रह सकते हो? कोई खा के रह सकते हो क्या तुम लोगों में से? वो तो नहीं कहा, कोई नहीं हाथ उठाया। मैंने एक कहानी कहा कि बेटे पांडव जब जंगलों में थे तो एक्ष ने उनसे प्रश्न किया, जीवन का कौन ऐसा महत्वपूर्ण चीज है? उन्होंने कहा, मृत्यु, जो सबको आना है, मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन आज अगर एक्ष और पांडव का संवाद होता तो लोग कहते कि भोजन, भोजन सबको चाहिए, खेती कोई नहीं करना चाहता। क्या करना चाहते हो इसमें से? कोई जाकर के डेयरी स्थापित करना चाहते हो? कौन बच्चे करना चाहते हो? जरा हाथ उठाओ तो। आप अमूल में तो नौकरी करोगे, एनडीडीबी में नौकरी करोगे, लेकिन अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं गांव में जाकर के एक लाइव स्टॉक का एक स्टार्टअप शुरू करूंगा। ये आज आपके ऊपर ये भी जिम्मेदारी है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप अमूल को क्या दे पाओगे? आप एनडीडीबी को क्या दे पाओगे? उनके घिसे पिटे रास्ते पर ही तो चलोगे। और मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, ना मैं केवल सोशल एक्टिविस्ट हूं। मैं अभी दुग्ध समिति में बोनस बांटने गया था अपने कंस्टिट्यूएंसी में। मैंने वहां कहा, हमारे बिहार में 10 लीटर से 15 लीटर की एवरेज गाय है, यहां भी गुजरात में भी यही होगा शायद, संघ के लोग चौधरी जी सब ये हाथ हों या ना जोड़ाएं, या एवरेज 25 लीटर 30 लीटर की गायें होगी, भैंस होगा, लेकिन एवरेज यही है 15 लीटर से नीचे का जानवर। मैंने कहा कि इसी दूध से किसान अपना भी पेट भरता और उस जानवर का भी पेट भरता, क्या इसके लिए कोई स्टार्टअप, कोई आइडिया, कोई निकल के आएगा? कहां से आएगा? मैंने कहा कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैं जब इस पद से हटूंगा तो मैं गांव में ही काम करूंगा, भले अमूल एनडीडीबी के तनख्वाह पर नहीं, बल्कि अपने स्वविवेक से। मैंने कहा, मैं आज घोषणा करता हूं, गाय का दूध गाय के खाने पर। जिस दिन हमने अभी मुजफ्फरनगर गया था एक कृषि मेला में, हमारे राज्य मंत्री संजीव बालियान जी ने कराया था, वहां मैंने एक 18 ब्यांत की देसी गाय देखा, 18 ब्यांत की। तो मैंने पूछा, इसके खाने खुराक के कारण आज क्या है? जो जानवर
आठ दस ब्याह दे सकती है, लेकिन उसी दूध से हम अपना भी पेट भरते हैं और उसी से उनका, तो एक दो ब्याह कम जाता है, उनकी ताकत उनकी क्षमता कम जाता है। फर्स्ट उन्हें काभिग होना चाहिए, जिस एज में उससे ज़्यादा एज आ जाता। मैंने कहा कि मैं इस चैलेंज को स्वीकारता हूँ और मैं कहता हूँ कि दूध केवल जानवर का, जानवर के बच्चे का, और किसानों का गोबर और बच्चा 1,00,000 रुपया प्रति ब्याह, चाहे 8 लीटर दूध दे चाहे 15 लीटर दूध दे। क्या यह संभव है? मैं कल डिस्कस कर रहा था सोडी जी और डायरेक्टर साहब और हमारे चेयरमैन, ये 200% है, लेकिन मुझे अपनी बात मनमाने में मुझे मिल्क यूनियन के एमडी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि मेरी बात तो, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं। और यह सहज फॉर्मूला है कि नरेंद्र मोदी ने देश में 32 आईवीएफ लैब दिया। मैं जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मोबाइल लैब ले गया तो कोई देने को तैयार नहीं, कहीं नहीं तो आदमी में टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, ये जानवर में कहां से होगा, क्योंकि एक्सपोजर नहीं। बड़े मुश्किल से 25-30 जानवर में आईवीएफ हुआ, उनके बच्चे आज गिर के 20-25 लीटर की बछिया तैयार है। मैंने कहा ये 1,00,000 रुपया आएगा कि नहीं आएगा, और मैंने एक निवेदन किया है एनडीडीबी चेयरमैन से और यहाँ बैठे सभी मिल्क यूनियन के और खास करके अमूल के चेयरमैन से कि 10-21,000 रुपया में नरेंद्र मोदी की सरकार ने आईवीएफ से प्रेगनेंसी दिया है, आदमी में तो 3,00,000 लग रहा है, आदमी में 3,00,000 है, उसके भी प्रेगनेंसी रेट उतना ही है 25-30%, जानवर में भी उतना ही है, लेकिन भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए 21,000 रुपये में प्रेगनेंसी को रख, और उसके टूल हैं एनडीडीबी के चेयरमैन, 5,000 रुपया भारत सरकार, 5,000 रुपया यहाँ की राज्य सरकार दे रही है, अब 5,000 रुपया मिल्क यूनियन, 6,000 रुपया किसान देगा, और 1,00,000 रुपया प्रति काभिंग आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये तो महज देसी चीज था, क्योंकि मैं मंत्री था अभी कुछ दिन पहले तक, तो मैं यही कहना चाहता हूं, अगर सब लोग शहरों के 5 सितारा होटलों में ही इर्द गिर्द काम करेगा तो खाएगा क्या? अगर बर्गर भी खाएगा वो भी तो गांव की उपज होगी। आपको एक ऐसा टेक्नोलॉजी देना है, आज एक आपको एक ऐसा काम करना है। मैंने यहाँ एनडीडीबी के चेयरमैन हैं, मैंने इनसे कहा मेरी एक इच्छा है, आज पिज्जा, पिज्जा कौन कौन खाए हो जरा हाथ उठाना, तो ईमानदारी से, हम भी खाए हैं, सभी लोग खाए हो। पिज्जा कहाँ से चला? यूरोप से, मैं श्रीखंड की बात नहीं करूँगा। वो आज भी मेरी गुजारिश है चेयरमैन से, एनडीडीबी से, कि पूरे देश में श्रीखंड को एक मिल्क प्रोडक्ट के रूप में करें। लेकिन पिज्जा तो यूरोप से चल के नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच गया, लेकिन मोजरेला चीज आज भी अमूल के ब्रांड या और विदेशी ब्रांड पे डिपेंड करता है। हमने कहा एक छोटा सा मशीन बनाओ मिनेश बाबू, जो गांव में अपने जिले में मोजरेला चीज दे पाए। इन्होंने एक और अच्छी आइडिया दोनों दिया है कि उसको करे और मिल्क यूनियन को दे, मिल्क यूनियन मार्केटिंग करे। तो अगर ऐसी ऐसी चीजों को हम करेंगे, आज एक आईआईटी करके अमेरिका में लड़का था, उसने आकर के, शायद सोडी जी को मालूम होगा, एपी गमा, हाँ
क्या नाम है वो लड़के, क्या करते? कुछ नहीं करता, लेकिन आज 250 करोड़ का उसका टर्नओवर है। उसने वेंडर को टूल बनाया और अपने फॉर्मुलेशन को उसमें डाला और दही मल्टी फ्लेवर का फ्रूट ये वो लाया। अब ये चुनौती मेरा नहीं है, ये अब इनके लिए भी नहीं है, अब तो जो एग्जिस्टिंग होंगे MD उनके लिए है। आज आज देश के अंदर में एक से एक ग्रामीण क्षेत्र में जिसने इरमा का मुंह नहीं देखा, IM का मुंह नहीं देखा, एक आपको ग्रामीण जोगाड़ू टेक्नोलॉजी और ग्रामीण का ब्रेन, भारत के ब्रेन गांव में भी हैं, शहर में भी हैं, इरमा में भी हैं। यहां अगर आसमान पर कंपटीशन हो, रास्ता हो, तो भारत ही टॉप करेगा। ये भारत के बच्चों में एक बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पानी नहीं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त क्षेत्र को बुंदेलखंड कहते, और उस बुंदेलखंड में महिलाओं ने, 40 महिलाओं ने बुंदेलखंड की खबर लहरिया, लहरिया वहां की भाषा में खबर लहरिया, और आज 40 महिलाओं के जुनून से शुरू हुआ और आज इतना पॉपुलर हुआ कि ऑस्कर अवार्ड के लिए ये स्टोरी नॉमिनेशन हुआ। आपने चेतना गाला सिन्हा का नाम कौन कौन सुलहा, जरा हाथ उठाना, आपने से एक, ये दोनों पास्ट हैं, प्रेजेंट ये देश में पहले ग्रामीण बैंक की शुरुआत 97 में की थी। आज ग्रामीण महिलाओं के लिए पहला बैंक था ये चेतना गाला सिन्हा ने शुरू की थी। यह स्टार्टअप ही तो था, एक आइडिया था, एक जुनून था। आज मैं जिस मंत्रालय में काम कर रहा हूं, मेरे डायरेक्टर ने कहा है, और आज जितने मेरे डेटा हैं सब GIS पर डाल दिया है, कहा कि कुछ मत छुपा के रखो, देश के युवाओं के लिए, देश के रोजगार के लिए। और आपको जान करके खुशी होगा, 9 लाख रूलर जो फैसिलिटीज का डेटा है, 10 लाख हैबिटेशन, 25 लाख किलोमीटर सड़कें। आज जो गूगल पर आप कभी कभी, आज से 10 साल पहले गूगल पर जाते जाते कहानी बड़ा प्रसिद्ध हुआ, वो गांव के अंतिम छोर पे पहुंच गया, उसके बाद सड़क ही नहीं थी। लेकिन ये डेटा मोदी जी ने कहा कि आप डालो, और डालने से आने वाले दिनों में एक नई क्रांति होगी, लोगों को अवसर मिलेंगे। आज आपको मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मोदी जी ने एक स्वामित्व योजना चल रहा है। ये स्वामित्व क्या है, गांव को जिसने देखा है, गांव में हमारे दादाजी उसी मकान में रहते थे, उनके 4 बच्चे हुए, उसमें मकान तो 2-2 कमरे बट गए, हमारी प्रॉपर्टी नहीं थी, बैंक मुझे दे नहीं रहा था। अब उसको ड्रोन से, राज्य सरकार की मदद से उसकी मैपिंग की गई, चुन्ना मार्किंग हुआ, अब कमाल है, अभी 7-7.5 करोड़ लैंड पार्सल हम लोग कर चुके हैं मोदी जी के निर्देश पर, और आने वाले दिन में इसमें कहानियां रच रही है, बैंक से लोन ले रहे हैं लोग, नए आर्थिक नीति बना रहे हैं, अपने आप को
एक तरह से वही नहीं, पूरे देश में जो जमीन है, रूरल एरिया जो जानेंगे आने वाले दिन में, तो सारे राजस्व ग्राम का एक टुकड़े का खाता खसरा अलग शुरू होता है। मोदी जी ने कहा, मैं उसी डिपार्टमेंट में काम करता हूं, कि हर पार्सल का एक आधार नंबर दो, जैसे आदमी का है भू आधार नंबर 14 अंकों का। जब ये भू आधार हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, कोई आदमी शहरों में जमीनों में धोखाधड़ी नहीं करेगा, एक ही जमीन दूसरे को बेच नहीं पाएगा। सारे रजिस्ट्री ऑफिस को डिजिटल करके, सारे नक्शे को डिजिटल करके मोदी जी ने एक नई क्रांति लाने का काम किया है। अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बात चल रही है कि जो सिविल केस होता, लोग कहते कि ये तो एक लंबा समय लगेगा कब तक, लेकिन अब आने वाले दिन में जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इजाजत मिलेगी, एक बार डालेगा उसको सब चीज मिल जाएगा ट्रांसपेरेंट। तो ये मोदी जी, मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आपके सामने इतिहास दोहराने का समय आ गया है। कभी हम 300 साल पहले सोने की चिड़ियाँ थे, लोगों ने जो की लुटेरों ने लूटा, आज कई लोग लुटेरों का भी पूजा कर रहे हैं, उनको मुबारक, लेकिन सोने की चिड़ियाँ फिर से आपको बनाना है। आज मोदी जी ने 14 में केवल कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, 720 विश्वविद्यालय थे, आज 1100 विश्वविद्यालय हो गए। एक बार ताली तो मोदी जी के लिए बजाओ, ये हमारी ताकत है। 300 साल पहले हमारे पास इतने एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, गुरुकुल था। आज जिस IIM के कारण शायद आप पास आउट होके जा रहे हो, पता है कि इसका जन्म कैसे हुआ? इरमा का, इसी IIM के कारण। कुरियन साहब ने कहा, एक रूलर मैनेजमेंट का, उसने इधर उधर, तो ये ऋषि आदमी, धुनी आदमी, इसने कहा मैं ही अपना एक रूलर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोल लेता हूं, यही इरमा। केवल 13 थे, आज 21 हो गए। IIT जहां 16 थे वहां 23 हो गए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं अपनी बात को आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, जितना करना था कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। माँ बाप की जिम्मेदारी है तो देश की भी जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी ने एक वक्तव्य दिया था हम लोगों को कि आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की पुरानी सोच को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ रहा है। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस फॉर प्रोग्रेस। ये मोदी जी ने कहा। हमने न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरे करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज से समय से पहले परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं आज का भारत हर वो कदम उठा रहा है जिससे परियोजनाओं में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, काम समय से पूरा हो। इसमें से कोई बच्चे लद्दाख, लेह लद्दाख गए हैं? कोई गए हैं? नहीं गए? हाँ गए। मैं अभी अपने प्राइम मिनिस्टर के आदेश पर सारे मंत्री जो
बॉर्डर एरिया है, कोई 16,000 फीट पर गए, हम मैं 13,500 फीट पर गांव में 2 दिन रह के आया। लोग आशीर्वाद दे रहे थे कि मोदी जी को आशीर्वाद कहिएगा। कहा क्यों? कहा देखिए, आज तक मैं बर्फ का पिघला हुआ पानी पीता था, अब बोरवेल का पानी नल मेरे घर पे आया है। यह आपके लिए हमारे लिए आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन पुश्त दर पुश्त से जो वही ग्लेशियर का पानी पीते रहे, आज भारत की प्रगति को समझना है तो जो मैंने पहले कहा, 2 मिनट और मैं समय लूंगा, ये आपको सोचना है, आगे आपको जीवन में इससे आगे बढ़ के काम करना है। कभी किसी ने सोचा था कि 30 डिग्री टेम्परेचर पर पानी नल जल पहुंचेगा? सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल कभी किसी ने नहीं सोचा था? क्या कभी कोई सोच सकता है रोहतांग में मनाली लेह मार्ग, जो अटल टनल निर्माण 26 साल का प्रोजेक्ट था, 6 साल में पूरा किया गया। ये वर्ल्ड कल्चर है। गांव गांव में रसोई गैस तो पहुंच गया, 11 करोड़ महिलाओं के घर में रसोई गैस पहुंच गया। अब वो दिन दूर नहीं कि हर घर में पाइप गैस का पाइप लाइन होगा। इसके काम शुरू हो चुके हैं। 11 करोड़ से अधिक शौचालय बन गए। जब प्रधानमंत्री नए लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने कहा अगर एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर का आज उद्घाटन है तो दूसरे तरफ मैं उस विभाग में काम करता हूं, 29 साल लगा इंदिरा आवास में, जो केवल 3.25 करोड़ घर बने। मोदी का कल्चर कहा नहीं, 9 साल में 4 करोड़ घर बनाया गरीबों के। जनधन बैंक खाते का नाम सुना है? नहीं सुना है? जो सुना है जरा हाथ उठाना। जब जनधन बैंक खाते की बात हुई थी, लोगों ने मजाक उड़ाया था, पैसा कहां से आएगा, पैसे भी गए उसमें कोरोना काल में। आज 48 करोड़ जनधन खाते हैं और उसमें 70% महिलाओं के खाते हैं, उसमें 2 लाख करोड़ जमा है पूंजी। मोदी एक मैजिक मैन की तरह लोगों को जो आश्चर्य लगता है, जहां हम सोचना बंद करते हैं, जब कभी रिव्यू मीटिंग में जाते हैं, जहां सोचना बंद करते हैं वहां से वो सोचना शुरू करते हैं। मैंने एक ही चीज उनसे सीखा है जो अभी हो नहीं रहा है, उन्होंने उनसे बड़ा लिसनर कोई नहीं मिलेगा। हम लोग तो तुरंत सुनने लगते हैं, सोडी जी जैसा ज्ञानी बोल रहा है, एनडीडीबी चेयरमैन बोल रहा है, तब तक मैं बीच में ही अपनी बात कह देता हूं, मेरे पास पेशेंस नहीं है। मोदी जी अभी मैं तो उनसे बड़ा लिसनर, जब भी मुझे 9 साल काम करते हुए हुआ है, मैं आपसे आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा और यही कहूंगा कि भगवान खुदा खुद से पूछे, बंदे बता तेरी रजा क्या है, बंदे बता तेरी रजा क्या है, कि आपके उम्मीदों को उन ऊंचाई पर ले जाएं जहां आपने सोचा नहीं होगा। यही हमारी शुभकामना है, लेकिन उसमें माँ बाप के साथ साथ भारत माता भी रहे। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर आर एस सोधी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
मैं आज आप सबकी उपस्थिति में माननीय श्री मंत्री श्री गिरिराज सिंह का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग जो उन्होंने वक्तव्य रखा स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, हम सबके लिए भी उससे ज़्यादा था। और मुझे लगता है जो उन्होंने उम्मीदें आपको रखी बताई, अपेक्षाएं बताई, एक्सपेक्टेशन बताई, तो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में करियर में उसको अचीव करने में पूरा प्रयत्न करेंगे। आई नाउ डिक्लेयर द 42nd कन्वोकेशन क्लोज्ड। धन्यवाद सर। पूरे इरमा की तरफ से मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों जिन्होंने आज हमें यहाँ अपनी उपस्थिति से धन्य किया उनका धन्यवाद करती हूँ। अब मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाइए। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्सल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है कि मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के दीक्षांत स्थल से निकासी तक कृपया खड़े रहें। हमारे वॉलंटियर्स आपके नियत स्थान की तरफ जाने में आपको सहायता करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.